बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो पेस है या रेंज है वो डिफरेंट है मसलन गर्ल्स में लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो पेस स्पीड है वो तेज़ है एज़ कंपेयर टू बॉयज़ यानी बॉयज़ गर्ल्स में लैंग्वेज डेवलपमेंट का रेट ज़्यादा है एज कंपेयर टू बॉयज़ और जब भी हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के दौरान हम बच्चों की लैंग्वेज की असेसमेंट करें वैल्यूशन करें तो हम उनको आपस में उनकी लैंग्वेज उसमें कंपेयर ना करें बल्कि उनका जो कंपैरिजन है वो स्टैंडर्ड के साथ करें यानी इसे हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट ना हो बल्कि स्टैंडर्ड बेस्ड रेफरेंस हो स्टैंडर्डाइज रेफरेंस जो उसकी असेसमेंट हो और इसके अलावा ये अहम बात है के जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बच्चों के माइंड की जो बच्चों के माइंड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की को रिफ्लेक्ट करती है यानी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो उनसे बच्चों के के माइंड्स की भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट होती है यानी उनसे पता चलता है वो कि, कितना वो सीखा है उन्होंने कितना वो सीख सकते हैं उनका माइंड में किस तरह वो मतलब है फास्टली या जैसे भी वो उसको एक्सप्रेस कर, कर सकते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं और आफ्टर द एज ऑफ फाइव पेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट बिकम स्लोअर ये स्लो हो जाती है और जो तो चिल्ड्रन हैं वो रिसेप्टिव लैंग्वेज ज़्यादा जल्दी सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के के मुकाबले में वो रिसेप्टिव लैंग्वेज को ज़्यादा तेज़ी से एक्सेप्ट करते हैं और उसको ज़्यादा एक्वायर करते हैं जल्दी से टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिवेलपमेंट डियर स्टूडेंट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट की दो टाइप्स uh, हैं नंबर वन रेफरेंशियल नंबर वन रेफरेंशल रेफरेंशियल टाइप ऑफ लैंग्वेज में चिल्ड्रन एट फर्स्ट एक्सप्रेस वर्ड्स एंड आफ्टर वर्ड जॉइनिंग टूगेदर देंटेंस ऑफ टू वर्ड्स थ्री वर्ड्स यानी इसमें ये होता है के जो बच्चे हैं पहले एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स को और फिर वर्ड्स को आपस में जॉइन करते हैं वन वर्ड टू वर्ड थ्री वर्ड्स और फिर वो सेंटेंसेस बनाते हैं तो यानी ये सेंटेंसेस के जरिए फिर वो कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेशन होती है और यंग चिल्ड्रन में ये जो स्टाइल है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैकेबलरी के ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है दूसरी अहम बात यह है कि जो इस स्टेज पे यानी इस टाइप के जो बच्चे हैं वो चीज़ों और लोगों को लेबल करते हैं और वो उसमें सीखने की कोशिश करते हैं अगर आप देखें जब जो बच्चे इब्तई क्लासों में होते हैं प्राइमरी क्लासेस में वो चीज़ों को यानी सिंबल्स के ज़रिए या साउंड्स के ज़रिए या वर्ब्स के ज़रिए या वर्ड्स के जरिए वो उनको उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं उनको लेबल करने की कोशिश करते हैं तो ये एक अहम मतलब इसमें यानी बेसिकली क्या है ये वैकेबुलरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक टाइप uh, है लैंग्वेज डेवलपमेंट की और सेकंड टाइप ऑफ लैंग्वेज जो है दैट इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इन दिस स्टाइल चाइल्ड फर्स्ट अटर साउंड्स लाइक बेबल्स दे कॉपी द रिदम एंड बीट स्पीच इस लैंग्वेज में जो बच्चे होते हैं वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को यूज़ करते हैं वो सोशल होते हैं और इसमें जो अहम बात यह है कि आप ये देखें कि जो रेफरेंशियल लैंग्वेज में बच्चे हैं वो अपने एडल्ट्स के, के साथ एडल्ट्स, यानी अपने पीयर से ज़्यादा एडल्ट के साथ इंटरेक्शन करना ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में जो चाइल्ड है या चिल्ड्रन है वो पीयर्स और एडल्ट्स दोनों के साथ यकसा तौर पर वो बातचीत करते हैं और इसके अलावा एक मैं आपको बताऊं ये सोशल और फंक्शनल वर्ड्स को ज़्यादा बोलते हैं और क्या करते हैं कि ये ये जो लैंग्वेज है वो बच्चे अपनी डिस्कस करते हैं अपने इमोशंस के इजहार के लिए और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के इजहार के लिए और वो दो दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं जैसे इसके कोई एग्ज़ाम्पल हम स्टॉप इट आई वन अ गो ठीक है इस तरह करके मतलब वो इजहार करते हैं और सोशल होने की कोशिश करते हैं हाई दिस इज़ मई तो इस तरह की सेंट एग्जाम्पल से वो अपने आप को वो सोशल करते हैं और ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो है ये एक्शन वर्ड्स और सोशल वर्ड्स सोशल वर्ड्स के तौर पर इसमें इस्तेमाल की जाती है वैकेबलरी